भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर के अनुसार भारत 20 डॉक्टरों की टीम पाकिस्तान भेज सकता है। ये डॉक्टर पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिमागी तौर पर बीमार कैदियों की जांच करेंगे, ताकि रिहाई के बाद इन्हें आराम से भारत लाया जा सके। सीमा पर जारी तनाव और राजनयिक विवाद के बाद ये खबर सुकून देने वाली है। 2017 में भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देश मानवीय आधार पर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिमागी रूप से बीमार कैदियों को एक दूसरे को सौंप दें। पाकिस्तान ने दिखाने के लिए तो इस पर रजामंदी दे दी है, लेकिन इसमें भी वो दांव पेच खेलने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान 20 से कम डॉक्टरों को वीजा दे सकता है। बता दें कि राजनयिक विवाद के बाद दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो गए हैं। हालांकि भारत ने रिश्तों को ठीक करने के लिए 4 शर्तें रखी हैं, जिसमें भारतीय राजनयिकों को परेशान करने पर रोक लगाना, उच्चायुक्त अजय बिसारिया को इस्लामाबाद से बाहर जाने की अनुमति देना, इस्लामाबाद में भारतीय रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने और राजनयिकों को इस्लामाबाद क्लब की सदस्यता देना शामिल है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान भारत की इन शर्तों को मानता है या नहीं।